नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉम्पोट्रिक्स में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम बताने वाले हैं किस तरह से आप बना सकते हैं किड्स की पोएम वीडियो। आपने नेट पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी YouTube पर, जहां पे आपने हाथी राजा कहां चले, सूंड उठा के कहां चले, इस तरह की पोएम, या आलू का चारों बेटा कहां गए थे, कुछ इस तरह की पोएम भी आपने जरूर देखी होंगी। इस पे ढेरों व्यूज आते हैं, ढेरों मिलियंस व्यूज रहते हैं इन वीडियो पर। इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, वो ये होता है कि बच्चों को कार्टून बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, इसलिए कार्टून की वजह से बच्चे पढ़ना लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। आजकल स्कूलों में भी कार्टून एजुकेशन दी जा रही है, कार्टून के थ्रू उनको पढ़ाया जा रहा है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय। इससे पहले वीडियो भी मैंने इसी के ऊपर बनाई थी, किस तरह से आप किड्स एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं हाथी राजा कहां चले, सूंड उठा के कहां चले, कुछ इस तरह की पोएम की वीडियो बनाना, तो आप भी बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप भी बना सकते हैं। बस उसमें क्या ध्यान रखना है आपको, जो उसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, जिसकी वजह से वीडियो इतना अट्रैक्ट लगता है, वो सेम टू सेम बैकग्राउंड म्यूजिक आप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं, ना ही यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो में। इससे आपको कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। पर आपने करना क्या है, इसका भी एक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन यह है कि यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर लेना है। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने ना देख रखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं। ये कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है तो इजिली आप भी इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। बैकग्राउंड और जो भी इनकी पिक्चर इमेजेस होती है, वो सब कुछ इजिली आपको नेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, सब कुछ पे अवेलेबल है, वहां से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ बताऊंगा आपको, कहां से आप वीडियो क्लिप ले सकते हैं, कहां से आप फोटो ले सकते हैं, कहां से आप बैकग्राउंड इमेज ले सकते हैं, वो सब कुछ जानेंगे इसी प्रोसेस में। दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा इसकी मत कीजिएगा, इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब न कर रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं वन बाय वन क्या रहने वाला है प्रोसेस। पहले अपने मोबाइल फोन को ऑन कर लेना है और यहां पे चले जाना है आपको गूगल प्ले स्टोर पर। अगर आप लोगों ने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है तो ठीक है, अदरवाइज आपको चले जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। यहां पे आपको कर लेना है सर्च इमेज। ठीक है दोस्तों, यहां पे आपको टाइप कर लेना है सर्च इमेज। ये एप्लीकेशन देखिए सेकंड नंबर पे इमेज सर्च के नाम से आती है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसको। ठीक है, चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे होता क्या है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह से ये इंटरफेस इसका आता है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए हर तरह का बैकग्राउंड यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे कार्टून बनाना है तो यहाँ पे लिखना है कार्टून बैकग्राउंड। ठीक है, कार्टून बैकग्राउंड इमेजेस, जैसे इस पर क्लिक करेंगे बहुत सारी आपको यहाँ पे कार्टून इमेजेस आ जाएंगी। जिस भी तरह का आपने कार्टून बिल्ड करना है, ठीक है, आपको उसी हिसाब से अपना बैकग्राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हाथी राजा कहाँ चले, ठीक है, इसमें एक हाथी की बात हो रही है, मतलब कि जंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड बहुत सारे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का बैकग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, जो आपका मन करे उस तरह से आप ले लीजिए, जिस तरह से आप स्टोरी बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपने डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे इजिली आपका डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, इतना डाउनलोड करने के बाद आपने ये क्या करना है, जो भी आपकी स्टोरी में करेक्टर है ना, उन करेक्टर को भी डाउनलोड कर लेना है। करेक्टर के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, सीधा यहाँ पर एलिफेंट लिख दीजिए। ठीक है, एलिफेंट 3D, जिस भी तरह के चाहते हैं, देखिए यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, जिस भी तरह का कार्टून चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे 3D है यहाँ पे। अच्छा देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको कुछ तो मिलेंगे कॉपीराइट वाले। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पहचान किस तरह से करनी है। देखिए यहाँ पे वाटरमार्क लगा हुआ है, मतलब ये स्टॉक है। ठीक है, किसी के आपने इस तरह से वाटरमार्क वाले इमेजेस को नहीं डाउनलोड करना है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि उस इमेज को डाउनलोड करें जिस पर कोई भी वाटरमार्क ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ये हाथी ले लिया, इस पर कोई वाटरमार्क नहीं है, सिंपली इसको डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इतना डाउनलोड कर लिया। इसके बाद आपने करना क्या है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि किस तरह से किसी भी पिक्चर का, किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक है, उसके लिए अगर वीडियो ना देख रखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके इजिली देख सकते हैं। फिलहाल देखिए मेरे पास एक एप्लीकेशन है रिमूव बैकग्राउंड की, इसको मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर ओपन करने के बाद अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और चले जाना है फोटोज़ में जहाँ पर आपने डाउनलोड कर रखी है। देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है। अभी आपको ये देखिए डाउनलोड कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपने डाउनलोड कर लिया। और इतना डाउनलोड करने के बाद एक चीज़ और करनी है आपने, वो क्या करना है, आपने करना है कि काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है जहाँ पे आप वीडियो एडिट करेंगे। चलिए मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए मीडिया का ऑप्शन आता है। आप भी जिस भी तरह की स्टोरी बिल्ड करना चाहते हैं ना, उस तरह का आपने बैकग्राउंड यहाँ पे ले लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाथी राजा वाली पोएम बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पे ले लेना है मैंने जो मैंने अभी अभी डाउनलोड किया था। ठीक है, ये मेरे पास बैकग्राउंड आ गया।
और इस बैकग्राउंड को आपने जितना लंबा आप पोएम रखना चाहते हैं उतनी लंबी आप इसको ड्रैग कर दीजिए। अगर बैकग्राउंड चेंज भी करना हो तो बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे दूसरा इमेज भी ले सकते हैं, मीडिया में चले जाना है और वापस से पिक्चर में चले जाना है। इस तरह से वन बाय वन जितने बैकग्राउंड चाहें आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ यहाँ पर डाउनलोड करके रखे हुए हैं पहले से, देखिए कुछ इस तरह से आपने यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए करेक्टर जो आपने उठाना है यहाँ पर, ठीक है, आपने क्या करना है, लेयर पर जाना है और लेयर पर चले जाने के बाद मीडिया पर चले जाना है, ठीक है, और रिमूव बैकग्राउंड जहाँ से आपने ये करेक्ट लिया था, ठीक है। ये यहाँ पे ये हाथी है, देखिए हाथी अभी तो सिंपली हाथी है। अब इसको अगर वो इस पर एनिमेशन लगाना है तो एनिमेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक के लिए क्लिक करने के बाद देखिए आपने करना क्या है, इन एनिमेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपने हल्का सा यहाँ पर इसको चलाना है, चलाने के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, बस आपने हल्का सा इसे इस तरह से चलाना है जैसे आपकी वीडियो स्टार्ट होगी तो हल्का सा यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले करना क्या है कि अपनी आवाज़ में यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेनी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने के लिए देखिए रिकॉर्ड वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना है, और इतना कर लेने के बाद जब एक बार आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए ना, कोशिश कीजिए आवाज़ बदल बदल के आराम से बोलिए, ठीक है। जैसे कि हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उठा के कहाँ चले, मतलब कि इतना अट्रैक्टिव बनाना है आपने कि बच्चों को सुनने में मज़ा भी आए, ठीक है, और वो आसानी से समझ भी पाएँ आप क्या स्टोरी उनको बता रहे हैं, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी आपने नहीं दिखानी है यहाँ पे, ठीक है। ये तो रहा पिक्चर की बात और बैकग्राउंड की बात, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसमें थोड़े बहुत बच्चे दिखाना चाहते हैं तो वो भी सब गूगल पे इजीली अवेलेबल है, कोई भी पिक्चर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिए और यहाँ अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग उसको मर्ज करते चले जाइए, ठीक है। मान लीजिए आपकी स्टोरी है हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उठा के कहाँ चले, ठीक है, मेरे घर भी आओ ना। अब जब घर आएंगे, जब घर की बात आएगी तो यहाँ पे क्या करना है, आपने घर भी लेना है। तो इसके लिए सिंपली इसको क्लिक करके यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, जहाँ पे घर की बात आएगी वहाँ पे आपने मीडिया पे जाके घर, इस तरह से आपने पिक्चर सेलेक्ट करते चलाना है। मेरे घर भी आओ ना, कुर्सी पर बैठो ना, जैसे कुर्सी पर बैठे तो कुर्सी भी आपने दिखानी घर के आगे। तो कुछ इस तरह से स्टोरी बिल्ड करनी है, ठीक है। एक एक चीज़ आपने यहाँ पर रखते चले जाना है, एक एक चीज़ आपने यहाँ पे दिखाते चले जाना है, इस तरह से स्टोरी बिल्ड हो जाएगी। और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सिंपली आपको देखिए राइट साइड में ऑडियो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपने बैकग्राउंड ले रखा होगा फोल्डर पर चले जाना है, डाउनलोड में जहाँ पर आपने डाउनलोड कर रखा होगा वो आपने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है दोस्तों। भाई आपने एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जब भी आप कोई बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट करें ना, किसी भी वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक मत लगाइएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। आपने करना सिर्फ इतना ही है कि आपने यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी में चले जाना है और वहां पे भी आप कार्टून चाहते हैं, एनिमेशन चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड म्यूजिक वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। वहां पे ढेरों ऑप्शन हैं, वहां पे आप फिल्टर लगा के कुछ भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अगर आपको ना समझाता हूं कि किस तरह से डाउनलोड करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज मैं ऊपर आई बटन लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना कर लेने के बाद उम्मीद है आपको अच्छे से वीडियो एडिटिंग करना आ जाएगा, किड्स की पोएम बनानी आ जाएगी और अपने चैनल पर अपलोड करना भी सीख जाएंगे। भाई वीडियो देख के आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से आपको वीडियो बनानी है, वीडियो को क्रिएट करना है। इस तरह से आप भी कार्टून की वीडियो बना सकते हैं, किड्स की एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं, अगर आपको पोएम बनानी हो या स्टोरी बिल्ड करनी हो, कुछ भी आप यहां से बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। आपने नेट पे ड्रीम स्टोरी टाइप की देखी होंगी वीडियोस, वो भी सब कुछ भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो प्लीज यार बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मुलाकात होगी इस तरह की टिप्स और ट्रिक्स के साथ, देखते रहिए कॉम्पो ट्रिक्स।